पूरे देश में लगातार CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं भदोही में CAA और NRC के मामले में पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जिला अध्यक्ष और यूथ कमेटी के जिला अध्यक्ष सहित 39 लोगों को उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने लोगों को विरोध में जुलूस निकालने के लिए इकट्ठा किया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। देखिए, इस प्रकरण में जो लोग भी शांति भंग में शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनमें से 15 लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो भी शामिल है और आगे भी हम फुटेज से पूरी पहचान कर रहे हैं। हमारी प्रक्रिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो लोग भी शामिल हैं और जिनके नाम आएंगे वो सब जेल जाएंगे इसमें। सर, जो मास्टरमाइंड है उसका क्या नाम है, वो किस संगठन से जुड़ा हुआ है? जो इनके मास्टरमाइंड है वो तनवीर हयात खां हैं और वो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और इनके पार्टी का यूथ अध्यक्ष भी शामिल है इसमें। तो क्या बातें निकल के आई, किस तरीके से उन्होंने लोगों को संगठित किया है और ये घटना को अंजाम दिया? नहीं, इन्होंने ये कहा कि आप लोग बिल्कुल जुलूस निकालिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। इसमें और भी कोई पार्टी के लोग शामिल हैं? नहीं, अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसके अलावा कोई पार्टी का नाम नहीं आया। यदि फर्दर आएगा तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। गौरतलब है कि जुम्मे के दिन भारी संख्या में निकाले गए जुलूस में शामिल लोगों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था, तब जुलूस में शामिल लोग पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। वहीं भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 39 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने 27 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदोही से महेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।